अगर आप जंगल के रास्तों पर सफर कर रहे हैं तो आपको सावधान रहनी चाहिए। अक्सर जंगलों से निकल के ये जंगली हाथी ऐसे रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और इसके सामने आपकी गाड़ी पहुंचते ही ये आपके ऊपर में हमला कर सकता है। क्या आपको पता है कि अगर जंगली हाथी आपके रास्ते पर आ जाए तो आप किस तरह से अपनी जान को बचा सकते हैं, किस तरह से आप खुद को अपने गाड़ी को सेफ रख सकते हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी है? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो पे आगे बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को और अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, हाथी एक ऐसा प्राणी होता है जो हिंसक नहीं होता है। वो किसी भी इंसान को खाने के पर्पस से नहीं देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए ही दूसरे आदमी के ऊपर में या फिर दूसरे जीव के ऊपर में हमला करता है। जब उसे असहज महसूस होता है, जब वो खुद को अनसेफ महसूस करता है, तब वो खुद के बचाव के लिए ही हमला करता है। वरना आप देख सकते हैं यह हाथी कितने शांत तरीके से यहाँ पे खड़ा है और काफ़ी देर से यह हाथी इसी सड़क पे खड़ा है। इसे जब आप डिस्टर्ब करेंगे तब वो आपके ऊपर में हमला करेगा। तो अगर आप जंगल के रास्तों में जा रहे हैं और इस तरह से हाथी आपके रास्ते में आ जाए तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपनी गाड़ी को हाथी से दूर में ही रोक देना है। कभी भी अपनी गाड़ी को हाथी के करीब ना लेके जाएं और कभी भी अपने गाड़ी का हॉर्न बजा के या हल्ला करके या शोर शराबा करके हाथी के ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करने का काम ना करें। गाड़ी के शोर करने से, हॉर्न बजाने से या खुद बाहर निकल के चिल्लाने से हाथी का ध्यान आपके ऊपर में आएगा और वो आपके ऊपर में हमला भी कर सकता है। अगर आपके रास्ते में हाथी आ जाए और आपकी गाड़ी को रोक दे तो कभी भी गाड़ी से निकल के अचानक से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप दौड़ के हाथी से नहीं बच सकते हैं। हाथी आसानी से आपको पहुंचा सकता है और जानलेवा हमला भी कर सकता है। अगर आप भी हाथी से परेशान हैं और हाथी से बचने के तरीकों को जानना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने फसलों को हाथी से बचा सकते हैं, इन सभी बातों को आप जानने में रुचि रखते हैं तो इस हाथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से आप इन तमाम जानकारियों को देख सकते हैं और हाथी की जानकारी भी देख सकते हैं।